अपना मांग के लेके अनशन पर बैठल माँ बेटा के हालत बिगड़ गई बा। बाहर सिवान के गांधी मैदान में लागल बा डिज्नीलैंड मेला, जहाँ मास्क के स्पेशल व्यवस्था बा। हर आदमी खातिर मास्क लगावल जाता आ देखी हर सामान आधा दाम पर उपलब्ध बा। नमस्कार प्रणाम, हम है राउर भाई राउर दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आ अभी के एगो बहुत बड़ा खबर, अहम खबर आ रहल बा। आज रुआ के भोजपुरी बतकही पर बहुत बड़ा खबर देखा रहल बानी, बिग ब्रेकिंग। सबसे पहले अगर अब ले रुआ शेयर सब्सक्राइब नहीं की कहले अपना भाषा के चैनल के, सब्सक्राइब कली ए चैनल के। देखी एगो आज बहुत बड़ा खुलासा, बिहार के सिवान जिला के दरौली से खबर आ रहल बा कि अपना मांग के लेके एगो गायत्री देवी नाम के प्रत्याशी अपना बेटा अमित कुमार के साथे अनशन पर बैठ रही है आ केहू पूछे वाला नहीं खे। तबियत बिगड़ गई बा, पिछला चार दिन से अनशन पर बैठ रही है। बिना देर कले रुआ के हाल पूजा के देखा रहल बनी लाइव। बेंगलोर में 10 साल काम किया है, HCL और Oracle जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत रहा हूँ और अभी मैं अभी अनशन पे बैठा हूँ। किस मुद्दे को लेके इतना अनशन पे बैठे हैं सर? अभी मैं एक सोच के साथ आया था कि बिहार में अपने लोगों को सेवा भाव से करूँगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार ने मुझे हराने का कोशिश करा। मतदान में बहुत ध्यान। किस प्रकार का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार सर मेन हैंडलिंग, ईवीएम के साथ मैन हैंडलिंग। मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट जब मतदान केंद्र में जब सभी हम प्रत्याशी अंदर गए तब देखा कि किसी के सामने सील नहीं खुला था। बाकायदा नियम होता है कि सभी प्रत्याशी के सामने ईवीएम मशीन का सील खोला जाए, पहले से सील खुला हुआ था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोग अगर प्रेजेंट ना हो तो एक से दो लोग के बीच में भी किया जा सकता है। लेकिन मेरे साथ बाकी जितने भी हैं, संजय भैया हैं और नन्हे चाचा हैं और एक ईवीएम का छोड़िए एक दूसरा है आपका श्री भगवान भैया, वो सरपंच के लिए वो भी मुद्दा उठा रहे हैं। उनको तो भगा दिया गया जबकि उनका ईवीएम मशीन नहीं था, उनका आपका क्या बोलते पेपर से जो काउंटिंग होता है बैलेट काउंटिंग उस पर था, उनको भगा दिया गया। रिकाउंटिंग के लिए बोले तो रिकाउंटिंग के लिए उनको भगा दिया। अनशन के आज कितने दिन हो गए? अनशन को आज तीन दिन पूरा होने जा रहा है। कितने तारीख से बैठे हैं लोग? हम लोग बैठे हुए हैं इलेक्शन के अगले दिन, अगले या उसके अगले दिन से बैठे हुए हैं। तीन दिन हो गया, तीन दिन होने जा रहा है जी। अनशन कितने दिनों से बैठे हैं? जी आज तीसरा दिन है, 14 तारीख को काउंटिंग था जी। और उस रात को हमको पता चला धांधली हुआ, तो अगले सुबह हम DM साहब को आवेदन दिए और जो उप निर्वाचन पदाधिकारी है राजकुमार गुप्ता जी, DM साहब अनिल कुमार, DM साहब जो हैं अमित जी हैं, उनको ज्ञापन देकर और फिर यहाँ ब्लॉक में भी ज्ञापन देकर आमरण अनशन पर बैठे हुए। अनदन सब कुछ त्याग कर जी, खाना वगैरह खा रहे हैं लोग? खाना क्यों खाएंगे सर, आमरण अनशन में कौन खाना खा? अच्छा, खाना वाना नहीं खा रहे हैं लोग अभी तक? प्रशासन के द्वारा वोट सूखा हुआ नहीं? प्रशासन के द्वारा कोई हेल्प आपको मिला है? नहीं, आज वीडियो साहब बात किए हैं, तीन दिन बाद क्या बोले बात किए हैं, आश्वासन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, लेकिन री इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं, कोर्ट का रास्ता चुनना पड़ेगा, उनके हाथ बंधे हुए हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने बोला है कि जो पूर्व जो मुखिया है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी, उनका उन्होंने आश्वासन दिया। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड प्रियंका सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अब आकर्षक सैलरी के साथ गल्फ सेवा संस्थान सलेमपुर में जॉब के गारंटी, सिक्योरिटी सर्विस 22,500 रुपया सैलरी के साथ बम्पर भर्ती शुरू हो गई हुआ। बहुत बड़ा सिक्योरिटी सर्विस जॉन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त बा, तो संपर्क करी हे नंबर पर जॉन स्क्रीन पर दहल बा। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ बा। विलासगिरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्थापक मैंने इतना पंचायत खाती मैंने कि लोग का करी, लोग अपन ब्लॉक में एगो के माने हिते परित घर में आवेला
इतना परिवार बा केहू एगो आवत आदमी के भाई भाई कुछ ना खाना पीना ना खाए जाए तो बतियाहू केहू आवत केहू बतियावे नहीं आवत सब सोनू पाने के आदमी बालो खाली हमरा के टोंट कम मारे आवत लो पिटारी भी नहीं के हमनी के पत्ता जितना बस साफ सफाई कर दिल बानी हम 20 रुपए देनी है चाचा के आ बाहर बाहर के सब पतई जरा के सब हमके साफ कर दिल बानी हाँ तो कहा तलो खाना खाए जाता लो ये लोग बेथी बाबे हमारे पापा भी रहे वाला हम कहीं ना ना गंदगी बहुत बा लोग के दिमाग में हमारा माई के पीटल गई लगा तो ये लोग एको सा बात क्यों नहीं खाए आज उठा होती जा होने से बाहर के प्रताड़ित कर जाता अगर सत्ता पक्ष खातिर लड़ा तनी जा हमनी के तो हमनी के तो हमनी के इतर हो गेल बा के हमनी के माने हमनी के लागत के अछूत हो गेल बनी जा पत्ता तो गिरल बने गाछ से बाहर के प्रशासन के तरफ से कोनो मदद नहीं के सुरक्षा के हम जाके थाना में आवेदन भी दिले बनी कम से कम दू गो कांस्टेबल होए के चाही कोनो कांस्टेबल नहीं के खाली हमके डराए धमकाए के सबरे 5 बजे आ जाता लोग है ना भोर में उठ के आज फेसबुक खाली लाइव हम ना करती तो हमार माथा फूटा फूटी हो जाए आ सोनू पाड़े के गुंडा लोग सब के एक एक करके आयल हाल चाल पूछे हमरा सब गुंडा एक एक करके हाल चाल पूछे खाली धमकावत आलो के तू लोग केतरी जब बैठा तर लोग कुछ ना होई हम कहत कुछ ना होई तो ठीक हम जान दे देम अपने जा बीओ साहब बीडो साहब बनी का इतना लाना हमरा के नहीं दे सकत कि ल माता जी आज 3 दिन हो गेला 3 दिन बाद वीडियो साहब से हाल चाल पूछ ले है ऑफिस में बुलावत नहीं बुढ़िया बूढ़ माई के ऑफिस में बुलावत रही के चले के हालत में बड़ी आज कमल ड्रेसेज दरबार सिनेमा के सामने शिव मार्केट सिवान प्रियंका ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और जुमेरात यानी